Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Qualifications and disqualifications of multi-state cooperative society audit. Yes, friends. Friends, we are talking about qualification and disqualifications of multi-state cooperative society audit. Multi-state की हम बात कर रहे guys. हमने अभी multi-state की बात की. Multi-state होता क्या actually थोड़ा बहुत बता दो. जो cooperative society के मतलब अलग-अलग state में उनके branches होते, business होता उसको बोलते multi-state cooperative society. Let's start. तो हम बात कर रहे guys qualification. जरा समझो अच्छे से. आप स्क्रीन पे देख सकते हो दैट इज क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं. क्वालिफिकेशन मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी में कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है. तो इसमें ऑडिटर बनने का सिंपल सा कंडीशन है, सिर्फ एंड सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर द सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. याद रखना गाइस, और कोई नहीं बन सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है. हमने कॉपरेटिव सोसाइटी में देखा था गाइस, कॉपरेटिव सोसाइटी में आपको मैं बता दूं वहां पे ऑडिटर्स कौन लोग बन सकते थे, दो लोग बन सकते थे, एक तो सीए एक तो एक जीडीसीए. बट इन द केस ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी कौन ऑडिटर बन सकता है, सिर्फ एंड सिर्फ सीए बन सकता है. इतना एक माइंड में फिट कर लो, और दूसरा कोई नहीं बन सकता है. बच्चों एक चीज और बता दूं, ये पूरा प्रोविजन सब चलेगा ना जो मल्टी स्टेट का, वो एकदम एज मैच करेगा कंपनी ऑडिट जैसा. कंपनी ऑडिट हमने जो देखा ना उसके जैसा थोड़ा मैच करेगा, ठीक है. यस, अब हम नेक्स्ट आगे बात कर लेते गाइस, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन. डिसक्वालिफिकेशन आप न्यू स्लाइड पे देख सकते हो, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कॉपरेटिव मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी में. डिसक्वालिफिकेशन मल्टी कॉपरेटिव सोसाइटी की बात करो गाइस, जरा समझो कौन लोग. सर आप हेडिंग देख रहे हो, यस, इससे मालूम पड़ता रहेगा कौन लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, कौन लोग ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब कौन लोग ऑडिटर्स नहीं बन सकते मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी में. पहला पॉइंट, एनी बॉडी कॉपरेट गाइस, एनी बॉडी कॉपरेट ऑडिटर नहीं बन सकता है. मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सेम था, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी बना के प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता, बट ऑब्वियस है. सेकेंड पॉइंट, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी ऑडिट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट, एम्प्लॉई ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी ऑडिट नहीं कर सकता है, वेरी क्लियर है. और द पर्सन जो डेटर है या इन डेप्थ है, कितने का, मोर देन 1000 रुपीज का, तो वो भी कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकता है. चार पॉइंट की बात करें अगेन, अगर आप एनी बॉडी कॉपरेट हो आप कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकते हो, आप मेंबर हो या ऑफिसर हो या एम्प्लॉई हो तो आप कॉपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर नहीं बन सकते हो. या नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, आपने अगर 1000 रुपए के ऊपर आप उसके डेटर हो या कर्जदार हो उस सोसाइटी के, तो आप मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर्स नहीं अपॉइंट हो सकते हो, वेरी क्लियर है. हाँ, और एक प्रोविजन इसके अंदर, आप इसके स्क्रीन पे नोट दिख रहा है, आपको नोट दिख रहा है, यस, जरा समझो गाइस, नोट दिख रहा है, नोट में क्या बोल रहा है जरा समझो. अगर कोई पर्सन ऑडिटर बन गया और उसके बाद अगर प्रोविजंस को ब्रेक किया, ठीक है, ऑडिटर बनने के बाद अगर प्रोविजंस को आपने ब्रेक किया, एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बन गया और उसके बाद मैं उसका मेंबर बन गया, उसके बाद मैं उसका एम्प्लॉय बन गया, ठीक है, उसके बाद मैं उसका कर्जदार बन गया मोर देन 1000 रुपीज का, तो मुझे वो केस में अपने प्लेस को वैकेंट करना पड़ेगा, मुझे वो ऑडिटर के प्लेस से वहां से निकलना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा. ये नोट पॉइंट याद रख लेना गाइस. तो मैंने क्या करवाया, एक तो आपको इसके पहले वाले स्लाइड्स में क्वालिफिकेशन की बात की, कौन लोग ऑडिट कर सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ सीए. और यहाँ पे चार पॉइंट मैंने क्या बात की गाइस, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन की बात की, मतलब ये लोग मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट नहीं कर सकते, और एक पॉइंट नोट की बात की, वेरी क्लियर है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज ईकीडा. थैंक यू सो मच.